हेलो, वेलकम टू ईजी। आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी 2 कप बारीक कटी हुई या कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी, 1 कप ग्रेट किए हुए गाजर, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स, इन्हें मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है, और 1/2 कप हरे प्याज, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इनमें नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, केवल मिक्स करना है, और इन्हें एक बारीक कपड़े में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है, जिससे कि हमें जो भी बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं वो कम डालनी पड़ेगी, मैदा या कॉर्नफ्लावर। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बाइंडिंग डलेगी, तो वो मंचूरियन की जगह पकौड़े बन जाएंगे। तो ये इतना सारा जूस निकल गया है सब्जियों का, इसे फेंकना नहीं है, इसे साइड में रखेंगे और इन सब्जियों को वापस बोल में डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, ये ऑप्शनल है बट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ से अच्छे से दबाते हुए मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1-1 टेबलस्पून मैदा और कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब एक बॉल बनाकर चेक कर लेंगे, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। तो अपने हैंड्स को क्लीन करके हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि मिक्सचर चिपके नहीं, और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मंचूरियन बॉल्स में सब्जियां ज़्यादा है और मैदा बहुत ही कम है। इसी तरह से सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इनके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लेंगे और बॉल्स को एक बार और अच्छे से रोल कर लेंगे, जिससे ये पूरी तरह से कॉर्नफ्लावर में कोट हो जाए। इससे हमारी मंचूरियन बॉल क्रिस्पी भी बनेंगी और वो ज़्यादा ऑयल भी अब्सॉर्ब नहीं करेंगी। अब बस इन्हें फ्राई कर लेना है गरम तेल में। तो ये काफ़ी तेज़ से बबल्स आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब ये बबल्स आने थोड़ा कम हो जाएंगे, तब इन्हें करछी से हिलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। शुरू में इनको नहीं छेड़ना है। तो ये अच्छे से सिक गए हैं। अब इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल कर रख लेंगे। अब एक दूसरे पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, अगर सेसमी ऑयल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल। में डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1/2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको 1 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लेंगे और फिर डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा। इसको भी 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, साथ ही ये वेजिटेबल जूस डालेंगे जो हमने सब्जियों में से निचोड़ कर रखा था, नहीं तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरे प्याज और हरा धनिया। अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर इसकी स्लरी बना लेंगे और इसे इसमें ऐड कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी को थिकनेस मिलेगी और वो अच्छे से मंचूरियन बॉल्स को कोट कर लेगी। अब गैस को बंद कर देंगे। हम इसमें मंचूरियन बॉल्स को ऐड करेंगे और अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो ये अच्छे से ग्रेवी में कोट हो गई है। ऊपर से थोड़ा हरा प्याज और हरा धनिया और डाल देंगे फ्रेशनेस के लिए, और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए ये वेज मंचूरियन। रेसिपी पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू ईजी। थैंक यू।